गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, आई एम रुचि गुप्ता, योर मैथ्स टीचर. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 10. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बिल्कुल सेम है बेटा. 11th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं आपको 12th क्वेश्चन करवा रही हूँ. 12th क्वेश्चन में, 11th में भी आप देखना, ए और बी जब प्लस है, बाय में है, ए बी एलसीएम आएगा. 11th में भी ए बी आपका एलसीएम आ जाएगा. फिर एलसीएम से जो डिनोमिनेटर उसे कट कर देना. यहाँ पे ए है तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये बी बचा. बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बी को हमने बी से डिवाइड किया तो बी से बी कैंसिल हो गया. ए बचा, ये ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स. ये एज इट इज. इसमें से हमने कॉमन लिया, ये पहले नीचे ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, दोनों ए बी कैंसिल हो जाएगा. डिनोमिनेटर छोड़ दो, सिर्फ न्यूमिरेटर लेना है आपको. दोनों में से एक्स हमने कॉमन लिया, क्या बचा, बी प्लस ए. ये बचा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया. ए माइनस बी, ए प्लस बी, आपका फॉर्मूला है ये. एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो एक्स के साथ है वो यहाँ बाय में आ जाएगा. ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. जब आपके पास प्लस में है, बाय में है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है. ए सी, ये आपके पास सी एक्स है, ये सी एक्स यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा. ए एक्स माइनस सी एक्स, बी बाय ए प्लस है, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा. ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम एक्स को वन साइड ले लेते हैं. विदाउट एक्स है, ये यहाँ पे आ जाएगा. दोनों में से एक्स हमने कॉमन लिया, ए माइनस सी. अब ये बाय में है, एलसीएम लेना है. डिनोमिनेटर का एलसीएम ए सी, ए सी को ए से डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा. ये सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी, माइनस ए सी को सी से डिवाइड करेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा. ये ई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी. दोनों में से बी हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, सी माइनस ए. ये a बाय ए माइनस सी, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो a माइनस सी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा. अब यहाँ तो a माइनस सी है लेकिन यहाँ तो c माइनस ए है ऊपर, हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते. अब हमने क्या करना है, इसको a माइनस सी बनाना है. हमने a हमने पॉजिटिव करना है, c हमने नेगेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा. इसके साइन चेंज हो जाएंगे, a पॉजिटिव हो गया और c नेगेटिव हो गया. a माइनस सी, ए माइनस सी से ए माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाय ए सी, एक्स की वैल्यू आ गई. अब इसको समझो ध्यान से, एक्स को हमने एक साइड ले लिया, विदाउट एक्स को एक साइड, एक्स हमने कॉमन ले लिया, दोनों में से ए माइनस सी बचा. एलसीएम लिया, एलसीएम से इसको डिवाइड किया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सी से सी कैंसिल, ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ए बी दोनों में से कॉमन ले लिया b. अब ये तो a माइनस सी है, हमें ऊपर कैंसिल करने के लिए a माइनस सी बनाना है. a माइनस सी बनाने के लिए बेटा माइनस हम बाहर ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा a माइनस सी. a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाय ए सी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में देखो आप, ब्रैकेट के बाहर 0.8 है, 0.8 को 2x से मल्टीप्लाई किया 1/6x, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 2.4, 4 से मल्टीप्लाई किया 6.4, माइनस x से मल्टीप्लाई किया 1.6x. ये माइनस है, यहाँ आके प्लस हो गया, माइनस है, यहाँ आके प्लस हो गया. दोनों को प्लस किया 3.2x, प्लस किया 8.8, x की वैल्यू निकालनी है, ये बाई में आ जाएगा. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, या डेसिमल हटाया 10, ये डेसिमल हटाया तो 10 ऊपर, 10 से 10 कट हो गया. दोनों को 8 की टेबल से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ जाएगी 11.11/4. हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को एक साइड ले लो, विदाउट x को एक साइड. ठीक है, ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया, ये माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा. ठीक है, 1.16 में से 0.4 हम माइनस करेंगे, यहाँ एक जीरो लगा लेंगे, माइनस करके आ गया 0.76. माइनस करना है 0.3 में से 0.28.
अब 0.8 के ऊपर कुछ नहीं ना, यहाँ पे हमने एक जीरो लगा ली, माइनस किया 0.02, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स के साथ जो टर्म है वो बाय में जाएगी, ये नीचे आएगा। डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया, 100 नीचे, डेसिमल हटाया 100 ऊपर, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे, 38 इज योर आंसर। सम में हमको x की वैल्यू निकालनी है, x को हमने एक साइड लेना है, माइनस 0.6x यहाँ के प्लस 0.6x हो जाएगा, प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, 4/5 को हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके हमने इसको डेसिमल में ले आए, 0.6 में से 0.28 हमने माइनस किया, 0.6 में से 0.28 माइनस किया 0.32, 1.16 में से 0.8 माइनस किया 0.36, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये बाय में आ जाएगा। डेसिमल हटाया 100 नीचे, इसका डेसिमल हटाया 100 ऊपर, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल से डिवाइड किया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/8। एक्सरसाइज 7.1 आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।